मुख्यमंत्री व भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे कोटा में रविवार को आयोजित महारैली में मौजूद विशाल जनसमूह के बीच आगामी चुनाव के लिए शंखनाद कर दिया। उन्होंने यारसीपी, कोटा एयरपोर्ट, इलाज व कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस सरकार पर प्रहार किए। वहीं हाड़ौती अंचल व राजस्थान की जनता से अपने अटूट रिश्तों को भी रेखांकित किया। उन्होंने कांग्रेस सरकार को आगाह करते हुए हाड़ौती वासियों को दो पंक्तियां समर्पित की और भाजपा की विजय का संकल्प दिया। उन्होंने कहा, इसलिए चंबल की धरा से विजय का संकल्प लेकर जाएं कि हमें भाजपा की सरकार बनानी है। हाड़ौती से मेरा आज का नहीं 34 सालों का रिश्ता है। मैं पहली बार 1989 में झालावाड़ से सांसद बनी, तब पहली बार कोटा होते हुए झालावाड़ गई थी। इन 34 सालों में हाड़ौती वासियों ने जो प्यार, आशीर्वाद, साथ और सहयोग दिया वह मेरे लिए अनमोल है। आंदोलन के माध्यम से अगर आवाज में आए हमारे भवानी सिंह जी